वो भी मैं मेरे आर्ट मटेरियल लेने जा रहा हूँ यहाँ का पद्मावती स्टोर बोलते हैं, जो वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर क्या सीन होता है मैं आपको बताऊँगा और आपको शॉप के आर्ट मटेरियल का रिव्यू भी बताऊँगा। इसलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, स्टोर तो पहुंच गया हूँ मैं, पद्मावती ट्रेडर्स स्टेशनरी आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स, यहाँ पर सभी तरीके के आर्ट मटेरियल्स मिलते हैं। चलिए चलते, ये है स्टोर के ओनर और ये भैया ने मुझको ब्रूस्टर पेपर बताए जो मैं ले रहा हूँ A4 साइज के, जो मैं घर पे जाके इनका रिव्यू भी करूँगा, तो वीडियो में आगे बने रहे। और यहाँ पर एक्लेरिक पेंटिंग है, वाटर कलर है, काफ़ी सारे आर्ट मटेरियल्स है। यहाँ पर पेंस है और वो काउंटर है आगे, वहाँ पर स्टेडल पेंसिल्स भी है। चलिए मैं अभी अंदर से बताता हूँ आपको दुकान। यहाँ पर कुछ कलर्स हैं, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं और ये मंदिर ऊपर कलर से वो कैमलिन के कलर से, वहाँ पर ये है बुक्स एंड पेपर्स, अलग अलग तरीके के बुक्स भी है, पेपर्स भी है। और ये है एक्लेरिक पेंटिंग जो आप मैं आगे यूज़ करूँगा, अभी तो मैं यूज़ नहीं करता मगर आगे यूज़ करूँगा इनको भी। और यहाँ पर है पेंस और यहाँ पर भी कुछ सभी मटेरियल्स है, और फिक्स एक्टिव स्प्रे भी है यहाँ पर, और ये कुछ रजिस्टर्स। स्टेडलर पेंसिल्स यहाँ पर है और ये इरेजर्स, वो लिफ्ट है। मैं अभी तो मैं सिर्फ पृष्ठों पेपर ले रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा जब मैं थोड़े और आर्ट मटेरियल्स लूँगा। मैकेनिकल पेंसिल तो अभी अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम लूँगा मैं मैकेनिकल पेंसिल। सो गाइस, मटेरियल तो ले लिया, घर पे जाके अभी मैं इनको इनका रिव्यू भी दूंगा, जो वीडियो में आगे बने रहे। और ज़रूर विजिट करना पद्मावती स्टोर, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, उनके उनको थैंक यू सो मच। चलिए शॉप पे तो जाके आ गया हूँ मैं, काफ़ी अच्छी शॉप है पद्मावती ट्रेडर्स, जरूर विजिट करना। और वहाँ पर से मैं ये ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर लाया हूँ, हेवी वेट मीडियम सरफेस, जो भी मैं इनका रिव्यू दूंगा और मैं बताऊँगा ये आप ले सकते हो या नहीं, और बिजनेस के लिए ये अच्छा है या नहीं मैं बताऊँगा। चलिए वीडियो में आने बने रही है, और एक अच्छा सा लाइक कर दिए और अच्छा सा कमेंट करें, और अब तक किसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लेट्स गो। चलिए करेंगे इनका रिव्यू। सो गाइस, पेपर कुछ ऐसा है, पेपर के ऊपर ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर, हैवी वेट मीडियम सरफेस है, और प्लस 20% मतलब 20 पेपर्स है, 20 प्लस 4 पेपर्स फ्री आ रहे हैं हमको, जो 24 शीट्स है टोटल। और यहाँ पर मेड इन पेपर, मेड इन इटाली, मतलब इटाली में बना है ये पेपर। और यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी लिख कैसे हुए हैं, और यहाँ पर सबसे मेन चीज पेपर वो होना जरूरी है, एसिड फ्री पेपर है जो बहुत अच्छी बात है, ये पेपर को बहुत अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल लिखे से हुए, ग्रेफाइट, चारकोल, पेस्टल्स, वाटर कलर, कुछ भी
यूज कर सकते हैं इस पेपर के ऊपर क्रिएटिव हैंड। चलिए खोलते हैं और पेपर का देखते हैं मीडियम सरफेस। कुछ ऐसा पेपर है और थोड़ा मीडियम सरफेस मतलब ना का मीडियम सरफेस पेपर मतलब ज्यादा स्मूथ नहीं ज्यादा रफ नहीं मतलब मीडियम सरफेस पेपर है ये। देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर है पेपर का जो इस पेपर को और अच्छा बनाता है और काफी ब्राइट पेपर है। चलिए अभी मैं इस पे पेंसिल यूज करके बताऊंगा। ये HB पेंसिल यूज कर रहा हूँ मैं इस पे। देखिए HB पेंसिल कुछ ऐसा ऑफ्ट हुआ है जो बहुत अच्छे से ऑफ्ट हुआ है जो आइवरी पेपर में ऐसा इफेक्ट नहीं मिलता है। अभी मैं 2B पेंसिल भी करके बताऊंगा। जो और काफी अच्छा बना रहा है और थिकनेस भी मस्त है पेपर में। अभी इसमें ये पेपर में ब्लेंड हो रहा है कि नहीं कि वो देखेंगे क्योंकि वो भी मेन चीज रहता है जो ब्लेंड करना है नहीं है। ब्लेंड नहीं हुए तो पेपर का खासियत समझ में नहीं आती है। काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। आइवरी पेपर में ऐसा ब्लेंड नहीं होता वो ऐसा टेक्सचर्स ऐसा नहीं आते आइवरी पेपर में जो ब्रूस्टो पेपर में आ रहे हैं ऐसा। देखिए ब्लेंड और वो भी ब्रश से ब्लेंड इजीली अच्छे से हो रहा है और अच्छा और काफी खास पेपर बनाती है इसको। मैं इस पेपर को 5 out of 5 दूंगा क्योंकि इतना अच्छे पेपर मैंने आज तक देखे नहीं और आज तक यूज नहीं करे जो अभी मैं यूज करूंगा और इन पेपरों पे अच्छे अच्छे आर्ट मटेरियल बनाऊंगा जो आप आगे वीडियोस में देखेंगे। तो अभी मैं बता दूंगा ये बिगनर्स के लिए यूज है या नहीं। बिगनर में आप थोड़े अच्छा ड्राइंग बना लेते हो तो आप ये पेपर ले सकते हो नहीं तो मैं बिगनर्स को ये नहीं करूँगा। जो आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो बिगनर्स जो ये पेपर ले सकते हो। और कुछ अच्छे पेपर है मुझको बहुत अच्छे दिखे पेपर बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छे पेपर है और काफ़ी सारे आर्टिस्ट और अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ये पेपर यूज़ करते हैं। तो जरूर विजिट तो मैं कहाँ पर से ये पेपर लाया हूँ जो आप हैदराबाद में आए तो ज़रूर विजिट करना पद्मावती ट्रेडर्स। तब तक वो फिर अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना। और किसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और कौन मेरे चैनल में नए सब्सक्राइब करे तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।